तो दोस्तों जो रियल में एक दर्जी का लाइफ स्टाइल जानना चाहता है, हम तो भाई सेलिब्रिटी है नहीं कि मेरे बारे में आप लोग जानना चाहोगे, लेकिन मैं एक दर्जी हूं और सिलाई करता हूं, तो मैं आज बताऊंगा कि मैं अपने दुकान से कितना कमाता हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि खास ब्लॉग होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको नहीं मिले होगा दर्जी के बारे में, खुद का वो बेइज्जती करवाए कि एक दर्जी पूरे दिन में कितना कमाता है। कभी कभी वो 20 रुपए कमाता है, कभी 30 रुपए कमाता है, कभी कभी बहनी भी नहीं होता है, और शायद वैसे कोई दिन होता है जिस दिन वो 500-600 दुकानों में आए। तो जो काम करूंगा उसका गिनती नहीं रहेगा, जो दुकान में पैसा आएगा उसका काउंटिंग करेंगे कि मैंने आज दुकान में मेरे दुकानों में कितना पैसा आया और कितना कमाए, कितना अल्ट्रेशन से कमाए, कितना नया काम से कमाए। तो देखते हैं इस वीडियो को कितने लोग देखते हैं, और एक गरीब टेलर को हेल्प करना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस लाइक कर दीजिएगा, बस यही हेल्प हो सकता है और क्या। और आगे देखिए कितना कस्टमर आ रहा है, लाइव प्रूफ दिखाने वाला है कि दुकान में कितना कस्टमर आएगा और कितना हम इनकम कर पाते हैं लाइव प्रूफ। तो इसके लिए हम क्या किए कि ये देखिए यहाँ पे एक मोबाइल सेट कर दिए हैं और यहाँ पे हम स्टैंड को सेट कर दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टैंड कैमरा को यहाँ कस देने वाले हैं और लाइव देखेंगे कि एक दर्जी जो है कितना इनकम करता है, यानी कितना पैसा आता है दर्जी के दुकान में। और जो भी काम है अपना काम करते रहेंगे, नया शॉर्टकट सिलते रहेंगे। पहन बताओ ना कितना फिटिंग है, पहन बताओ ना फिटिंग हुई। मेनली जो है अभी कस्टमर आया, टाइम हो रहा है 12:30 और काम जो आया है लगभग 100 रुपए का है, क्योंकि 40 रुपए शॉर्ट फिटिंग का लेते हैं और 60 रुपए जींस का। देखते हैं कितना मिलता है, बहनी होने का जो है थोड़ा चांस है। इस काम से जिंदगी कटेगा नहीं कटेगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल भी कमाई हुआ था अल्ट्रेशन से, कितना कमाई हुआ था 30 रुपए कमाई हुआ था, खर्चा 70 रुपए हुआ था। और आज अभी बहनी होने जा रहा है, सारा काम छोड़ के ये काम करने जा रहे हैं ताकि कम से कम बहनी हो जाए, पॉकेट में 2-4 रुपया आ जाए। लाइफ बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया, पता नहीं कैसे लाइफ कटेगा कैसे नहीं कटेगा। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि वीडियो भी बनाते हैं तो आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो ना, दुकान से कमाई हो पाता है और ना ही वीडियोज से कमाई हो पाता है। लगता है अब हमको भी लंदन जाना पड़ेगा, वहीं जाके स्विमिंग पूल में नहाना पड़ेगा। हाँ हो गया दोस्तों, तो एक और कस्टमर आ चुका है जिसका रिपेयरिंग करके रखे हुए हैं। देखो जी इंजीनियरिंग छोड़ के देखो क्या कर रहे हैं ना, क्या करोगे लाइफ अपना अपना, जब किस्मत में लिखल बा। बाबा धाम के तो पेटा तो खिया दे तो अब तो लेरा लिखो रही तो पेड़ा कहाँ से खाती ना। अच्छा पेड़ा तू कहाँ बिखलाया लिया के रे, पची हम नहीं लेकिन जान जी पहले देखिए पूरा कि नहीं लगा बोले तो कहले कि आधा किलो लेके आए मैं स्पेशल आए ज्यादा फजूल थी आधा इंच से चला है हल्का दाबे है आधा इंच कम किए हैं फलतोड़ लगा था ये फलतोड़ तो नहीं है, बोलिएगा तो और दाब देंगे पीछे से जैसे दाबा जाता है। देख लीजिए निकाल दे निकाली वहां से खोल करे या पीछे से दाबा जाता है उस तरीके से दाब दे। ठीक दस गौर दीजिए ना, दस गौर दीजिए ना, बेसी देता नहीं मतलब कॉन्ट्रा के दस गौर दीजिए अभी तक लाख तो ले लेंगे बोला जी। देखो इसमें और हम दे का दासा, एक दासा तो एक खराब है, आपसे बहनी हो रहा है, आप ही से तो बहनी हो रहा है। ठीक है बेटे तो सुना देखिए ना अभी तो गाइस बहनी हो चुका है 50 रुपए से, देख सकते हैं टाइम हो रहा है 12:30 और अब भी बहनी हो रहा है, पता नहीं लाइफ कहाँ तक जाएगा। हल्का धीरे चाहिए ठीक है, ठीक है पीछे से पकड़े हैं क्या, ठीक है नया नया कपड़ा अभी और चढ़ेगा सूती। इसको मोहरी दाब दिए, मोहरी देखिए तो पहन के इसको डालिएगा पैर में। चार चार सौ चालीस 140
तो ये देखिए अभी 50 में मिला है और बोला है कि 90 रुपये फोन पे पे हम डाल देंगे, नंबर ले गया, पता नहीं डालेगा कि नहीं डालेगा, उसको कौन गिनता है। और अभी जो है 12 बजे से कस्टमर आना शुरू हुआ है, अभी नया काम का एक भी कस्टमर नहीं आया है दोस्त, मैं क्या करूँ। एक साड़ी पिको हुआ है और जींस रिपेयरिंग हुआ है, शॉर्ट फिटिंग किए हैं, और ये रहा 150, तीनों 50 का है और ये 30 रुपये है। तो 10 रुपये हम घर से ही लेके आए थे खर्च के लिए, तो ये 20 रुपये है। तो टोटल 170 रुपया हम अर्निंग किया अभी तक दुकान से, और टाइम हो गया एक आधा घंटे के अंदर में। ऐसे ही कस्टमर आते रहे तब तो और मस्त हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, लेकिन क्या करें ऐसा होता ही नहीं है। कभी कभी तो कल जैसे इनकम हुआ था कि अल्ट्रेशन से 30 रुपये आया था, खर्चा हुआ था 70 रुपये। कभी कभी तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो ये दर्जी लाइन से, और जितने भी अगर इस वीडियो को दर्जी देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा क्या आपका भी यही हाल है जो मेरा हाल है। एक दर्जी का लाइफ स्टाइल कोई नहीं जानना चाहता, लेकिन अपना बता रहा हूँ, इच्छा है खुद का बेइज्जती करवाने का तो कोई दिक्कत नहीं है। खुद का बेइज्जती होगा तो किसी का भाई फायदा तो हो सकता है, लाइफ संवर तो सकता है इस वीडियो से। देखते हैं आगे में और कितना कमा पाते हैं शाम तक, क्योंकि अभी शाम होना बाकी है। नीचे कहाँ ले रखबो, घुटने के ऊपर, ऊपर कहाँ से पहना लो, ठीक हो देखो ठीक बा, इतना सीधा पैर दोनों सटाबो सटाबो पर ले लखबले। हां चाइना वा कहिया दे लो, रक्षा बंधन के पहले तो लागिए गल हो तो तू इतना दिन से आवत के ना रहला हो, कहाँ कर ला देख तब वहीं का क्वेश्चन है लाग गए, लेकिन ये तो निश्चय को रुपया मिलो कैसा कलर लियो, 100 रुपया हाँ ये मर दे हार्ट अटैक भी बका सीधे आधा कर देला, ये 80 को ले रहा, 80 को ले रही का चैन है, चैन है ना दो सर तो लाभ नहीं लगा दो तुम अभी 80 रुपये बतले रही बनू तो आज के इनकम में तुम आ जाइब मरते, लेकिन क्या करब किस्मत में नहीं हवा, 10,000 चमकिल कहाँ से ले दोस्तों। चैन लगाया और 50 रुपये कमाया, ये देखिए लाइव आप सभी के सामने। तो भाई आप लोग सपोर्ट करो यार, जल्दी जल्दी 1 मिलियन पूरा हो कि यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन देखने के लिए जो भी लड़का आता है ना पूछता है कि सर गोल्डन प्ले बटन लगाओ, गोल्डन प्ले बटन लगाओ, क्या पता नहीं, आप लोग जल्दी सपोर्ट करो। ये देखो आज का इनकम, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर हम लगा देंगे यहाँ पे, और डिटेल्स में लास्ट में बताते हैं इसके बारे में, तो चलिए लास्ट में आप लोग जानिएगा। दोस्तों अभी अभी जो है एक और जींस बनाए हैं, मोहरी को मोरे हैं, फिटिंग किए हैं, 50 रुपया कमा लिए। और एक दर्जी का लाइफ जो है बता दे आप सभी को कि जो देहात में जो दर्जी है ना उसको कुछ अल्ट्रेशन से 100 से 150 इनकम हो जाता है। उसके बाद जो है अगर कपड़ा गया 1 से 2 सेट अगर उसका अच्छा खासा काम चल रहा है तब तो बेस्ट है। अगर खुद से वो दर्जी ये काम नहीं चल रहा है, दिन का 1 सेट भी काम नहीं चल रहा है, तो वो डेली का कितना कमा सकता है, 100 से 150 रुपए। और अगर 1 सेट शॉर्ट पैंट भी अगर सिला रहा है तो 450-400 रुपए यहाँ पर रेट है। खैर मैं तो 500 रुपए लेता हूँ, मेरा फिक्स रेट है, 550 पुर्जा करता हूँ, 500 लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा फेमस जैसे कि आप यूट्यूबर बोल सकते हो, या काम में बहुत सारा चेंजिंग करते हैं, काम जो है हाई लेवल का करते हैं, जैक मशीन है, छोटा छोटा सिलाई लगाते हैं, और पॉकेट का भी क्वालिटी बढ़ा दिए हैं, पॉकेट भी ज़्यादा बनाते हैं पैंट में, तो उसी रेडीमेड के अनुसार बनाते हैं, तो इसलिए मेरा चार्ज ज़्यादा है, हम क्वालिटी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और देखा गया है आज जो है मैं 1450 रुपये बकाया वसूला हूँ, और जो इनकम है डेली का जो मैं लिखा हूँ आप सभी को स्क्रीनशॉट जो है वीडियो चलाकर हम लगा देंगे। और देखिए 50 रुपये जो है शुरू में ही अल्ट्रेशन बना है, फिर 50 रुपये अल्ट्रेशन का ही बना है, 50 रुपये अल्ट्रेशन का ही बना है, 20 रुपये अल्ट्रेशन का ही बना है, 10 रुपये अल्ट्रेशन का ही बना है, फिर 450 रुपये बकाया मिला है, और फिर 50 रुपया चैन का, फिर अभी जो है 50 रुपया जो है मोरी फिटिंग का, परफेक्ट। उसके बाद खर्चा आप सभी को बता दे रहे हैं, 120 रुपया हो गया मेटेरियल मंगाए हैं, और सर्फ हो गया 80 रुपये घर का, और समोसा 20 रुपये खाए हैं, और कारीगर जो है उसका बकाया था पहले का, अभी तो कारीगर काम नहीं दे रहे हैं क्योंकि खुद से कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीना का आपको पूरा रिजल्ट देना है, डेली का खर्चा बताते हैं, इसलिए कारीगर को 150 दिए हैं, पहले का बाकी था, शुद्ध दिए हैं 1000 रुपया,
और फिर एक आदमी को और सूद दिए हैं सर 300 रुपया। तो मेरा सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट होता है ना इंटरेस्ट में होता है, इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है। गवाही आप सभी को पता ही है कि मैं बहुत ज्यादा अभी कर्ज में हूँ, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दे ताकि मेरा, अगर दर्जी का काम करते हो ना लाइफ में आप 2-3 दिन भूखे रह जाना, लेकिन कर्ज कभी मत लेना भाई। ये दिल से हम बोल रहे हैं क्योंकि कभी नहीं सदा पाओगे। चलिए आई होप ये एक दर्जी का लाइफ आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और जो भी देखे लाइव कस्टमर हम दिखाए हुए हैं, आज जो है एक भी नया शॉर्ट पैट ऑर्डर नहीं आया है, जो भी आया है रिपेयरिंग परफेक्ट, आप जान सकते हो। इसलिए हम बता दिए पहले ही एक दर्जी का लाइफ स्टाइल कौन जानना चाहेगा। अगर एक दर्जी को आप हेल्प करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी कुछ हेल्प हो सके और मैं भी कुछ लाइफ में कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक आप लोग में से आईपी रहा करें, खुश रहा करें और खुशियां बांटा करें।